देखिए, नूपुर शर्मा एक बहुत बोल्ड लेडी है और उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। उसने इनके जो लिखा हुआ है वो ही बोला है। अब बवाल करने के लिए तो लोग बवाल करें करते रहें, लेकिन सत्यता ये है जो इनके कुरान में लिखा है उसने वो ही कहा है। और हम तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने इतना अच्छा, मतलब गलत नहीं बोला है, अच्छा ही बोला है। और ये लोग तो आए दिन हमारे, देखो कन्हैया लाल गुप्ता की कैसे गर्दन काटी गई है। तो ये लोग आप तो हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो, इतने लोगों को मार रहे हो, और अगर हमारी नूपुर शर्मा ने आपके लिखे हुए कुरान को कह दिया तो आपने देश में इतना बवाल मचा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नूपुर शर्मा बहुत अच्छी लड़की है, हम तो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास के नारे से आपको आवास दिया, आपको अन्न दे रहे हैं, वो तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव है, जो बहुत शर्म की बात है। हमारा देश आप कह रही बार बार पराया कौन है, हैं पराया कौन है अगर हमारे तो हमारे देश की तो हैं आप लोग सब। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रही हो हमारे देश में रह रहे हैं खा रहे हैं, तो पराया कौन है? कोई पराया कोई नहीं, मतलब हम सब तो रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं देश में। कौन हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं। तो मोदी जी के कार्यशैली से या योगी जी की कार्यशैली से तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ भेदभाव कर रहे हों। प्रधानमंत्री आवास सबको दिए जा रहे हैं, आप बताइए दिए जा रहे हैं कि नहीं? कोई भेदभाव हमारी पार्टी की तरफ से तो कुछ है नहीं, देश के मुखिया की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो आपको भी कहीं ना कहीं आपस में मित्रता के भाव से रहना है देश में, आप भी इस देश के नागरिक हो। जी, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, महिला आयोग ने उनको भी संज्ञान मिल गया उस मामले को लेकर के। अब अखिलेश यादव जी भैया मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं है वो, उन्हें तो पूर्व मुख्यमंत्री है वो, नहीं हम कह रहे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सक्षम है। और हालांकि महिला सशक्तिकरण की वो भी बात करते हैं, लेकिन नूपुर यादव के खिलाफत में वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।